वार्ड नंबर 4 भितरवार के रहवासी एक नागरिक ने नगर परिषद भितरवार पर आरोप लगाया है कि नगर परिषद भितरवार अतिक्रमण हटाने के मामले में भेदभाव एवं पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। अधिकतर देखा गया है कि भितरवार में वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक सभी स्थानों पर भवनों का निर्माण किया गया है, जिनमें शासकीय भूमियों पर बनाए गए भवन भी शामिल है, लेकिन अधिकारियों को भनक तक नहीं है। वही कार्यवाही के नाम पर चिन्हित कर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामले में पीड़ित गजेंद्र रावत ने नगर परिषद पर आरोप लगाया है कि नगर परिषद द्वारा मेरी भवन निर्माण सामग्री अतिक्रमण हटाने के नाम पर बिना नोटिस दिए जब्त कर ली, मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया, जबकि पूरे भितरवार में तमाम स्थानों पर कतिपय लोगों द्वारा शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण करके भवनों का निर्माण किया गया है एवं अभी भी किया जा रहा है, मगर नगर परिषद द्वारा ऐसे स्थलों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। भितरवार मध्य प्रदेश से के शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मेरा आज से नहीं 50 साल पूर्व से कब्जा है, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, नगर पंचायत की तरफ से मेरी पूरी रसीदें हुई हैं और उसका टैक्स भी बराबर भर रहा हूँ। पंचायत के टाइम से पूर्व जब भी हमारे पूर्वी थे, घाटमपुर मौजा हमारा सीएम का था जी, इधर उधर के लोगों ने यहाँ आकर के घिरवा दिया ये नगर पंचायत ने, जब स्त्री उनसे पैसे ले दे करके, हम लोगों ने पैसा नहीं दिया तो मेरी मकान को नहीं बनने दिया। मेरी यहाँ मड़ियाँ बनी थी, पहले मकान बने हुए थे, उनको ध्वस्त किया जबरदस्ती। अगर आप मेरे आपको मैं पूरी आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, मेरे ऊपर कोई भी प्रकार का कोई वैसा वो नहीं है कि मैं शासकीय जगह गिर रहा हूँ। आबादी भूमि है, हमारे ग्राम की भूमि है, गाँव घाटमपुर ग्राम की मौजे की भूमि है और इसका बराबर टैक्स भर रहा हूँ। आज तक सन 71 से और सन 2021 तक का मेरे पास टैक्स है। सर, आज नगर परिषद के द्वारा आपके आदेश पर कार्रवाई की गई है, क्या है सर? जो अभी नया नगर परिषद कार्यालय का निर्माण हो रहा है वार्ड क्रमांक 4 बिजली घर के सामने, उस पे शासकीय भूमि पे किसी अनजान व्यक्ति ने अपने कुछ निर्माण सामग्री पटकी थी, वो हटवाई है क्या सर? उस पर जो जमीन पर अवैध कब्जा भी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो शासकीय भूमि है, बहुत पहले संकल्प भी हुआ है परिषद का बाल उद्यान के लिए, और वो किसी की निजी भूमि मेरे नॉलेज में आज तक आई नहीं है। यदि कोई दावा पेश करता है तो वो अपने विधिवत दस्तावेज पेश करे कि ये स्वामित्व मेरा है, और बाकायदा विधिवत वगैरह उसको आपत्ति है तो वो करेंगे हमसे पूछ के। ना हमने कोई निर्माण की अनुमति दी, ना ही किसी प्रकार का कोई हमारे पास विवाद का विषय नहीं आया। किसी अनजान ने जो सामग्री रखी वो हटवा के हमने जब्त कर लिया। उसका दूसरे पक्ष का कहना ये है कि मैं विधिवत नगर पालिका द्वारा आयत किया हुआ जुर्माना भर रहा हूँ, मेरे पास रिसिप्ट है और अन्य लोगों के अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, केवल मेरे को ही ताल्लुक है। नहीं नहीं, उन्होंने अभी दो दिन पहले एक दिन पहले ही निर्माण सामग्री पटकी। अब निर्माण सामग्री क्यों पटकी, क्या है, उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो विधिवत कार्रवाई करें।